थोड़ा चक्कर आया, उसके बाद वो बेड पर लेट गई, गिरते गिरते बस ही तो हमें पकड़े जाकर उसको फिर जाकर बेड पर उसको लेटाए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे दो दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आप सब देखे भी होंगे ब्लॉग में। और इधर पतिदेव जी सुबह सुबह अपने किचन की बागीचे में भिड़ चुके हैं और आज मुझे बहुत सारी खरीदारी भी करनी है, जिसके लिए मैंने इनको पहले ही बोल रखा था क्योंकि सावन तो नज़दीक आ गया है और उसकी तैयारियाँ भी हमें बहुत सारा करना होगा। साड़ी उड़ी तो मेरे पास था और मुझे एक चीज़ आपसे और भी कहना था कि जब मैंने साड़ी उड़ी जब मैं आप सबको दिखाई थी तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो ठेला पर मिलता है ना वो वाला साड़ी ये खरीद के दिखा रही है, तो मेरे पास जो है मैं वही दिखाती हूँ, मैं कोई भी शो ऑफ नहीं करती हूँ। और रही बात मेरे साड़ी को, तो वो साड़ी मुझे मेरे मायके से मिला हुआ था। सो प्लीज़, मायके से छोटा सा मिला रुमाल भी हम सब के लिए बहुत खास होता है। शायद आपके घरों में ऐसा होता होगा, ये सब आपकी सोच है, मैं इसमें नहीं जानती हूँ क्या क्या सोचते हैं आप सब, बट माँ का आशीर्वाद माँ का प्यार है तो ये साड़ी कैसे खराब हो सकता है। और क्या हो रहा है जी, ये देखिए सुबह सुबह क्या कर रहे हो आप? बाग इसको कबालना है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, ना कबालना है, नहीं ये एक साइड रहे रखी रह रहे हैं, अपने दिक में नहीं, हमको चाहिए बस पेड़ में सब साइड हमको करना है। इतना बड़ा पेड़ कैसे फिर सूख नहीं जाएगा? सूख जाएगा, क्या करेंगे उसको? ए छोड़ दीजिए, नहीं मत कबाड़िए, कबाड़ देंगे उसको। देखिए ये आ गए हैं ना, इसलिए बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ इनका काम सुबह चलते ही रहता है। हमको उधर टिफिन भी रेडी करना है बाबू के लिए और ये आज वो किचन में बोल रहे हैं चलो घुमाते तुमको बागीचा, ऐसे कि हम कभी घूमे ही नहीं है। हाँ जी, और एक चीज़ तो ये पोपट कर दिए हैं अमरूद तोड़ के, पका भी नहीं था अमरूद, तोड़ तोड़ के खराब कर दिए। ये हमारा आम कब पकेगा जी, हम लोग को इंतजार है। तोड़ दे, नहीं पका नहीं, पकने का अगर पे आ गया है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए लोग बोलता है कि देखो ये खाने के लिए, आप सब खुद ही बताना गाइज, आप सब भी अजीब से कमेंट करते हैं ना जी ये लोग। सोचो इतना मेहनत से फल उल लगाएंगे तो कोई भी खाने का तो इंतजार करेगा ही, माली है सब्जियां तोड़ता है बेचता है तो उसे उम्मीद रहता है ना कि आज ना कल हम लोग को खाना ही है। तो आप सब इसमें ही बोलते हो कि देखो खाने के लिए एकदम हमेशा रेडी है। अच्छा ये वाला नहीं तो ये वाला? नहीं अभी बहुत कांचा, नहीं अभी सावन में तोड़ेंगे इसको हम लोग फल को, सावन में खाएंगे ना। हाँ अरे हाँ यार याद आ गया, आप बहुत बदमाश हो, लेता इसको और हमको ना जीव ललच रहा है खाने के लिए। हाँ फल उनको पता है कि हम लोग बोए हैं तो हम लोग को तो होगा ही, कुछ हमारे व्यूअर्स को मन कर रहा है। छोड़ दीजिए वो हो जाएगा, फिर वहाँ बांधिएगा ना तो फिर वहाँ पे लता ऐसा ना फिर वहाँ पे देखिए जति हो जाएगा, छोड़ दीजिए ना, बहुत भारी हो गया पोस्ट। और ये वाला देखिए गाइस कितना अच्छा दिख रहा है, सारा टहनिया को हटा दिए हैं ना, लेकिन फिर भी फूल देना कम नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग उसे काटे ही नहीं, सिर्फ उधर के बांध दिए थे। और हमारा पपीता भी देखिए मस्त एकदम पक उक रहा है, पकेगा इसके बाद मजे से हम लोग खाएंगे। और हाँ हम लोगों ने क्या किया था ना, इधर जितना था झाड़ी सब हटा दिया था, फिर भी कुंदरे जो है फिर से निकलना शुरू हो गया, तो इसको रहने तक इसको हटा दे, छोड़ दीजिए रहने दीजिए ना, अभी इतना ज्यादा डर लगता है ना सांप बिच का। और हमारे घर में तो तोड़ना भी, सब्जी भी तोड़ना है, सब्जी कहाँ कुछ घर में है, है जी दिखाते हैं आपको सब कुछ, कबाब कड़वा कड़वा सब्जी खिलाएंगे आपको, खाइएगा ना कड़वा करेला कहाँ है यार कड़वा करेला। ये देखिए आम के पास कितना अच्छा लगा हुआ है, मक्का भी हमारा धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होगा ना। अरे पहले कोरोना हो गया यार मक्का, फिर से एक बार और तोड़ देना होगा। क्या हुआ? चींटी है तो चिट्टी कहाँ से आ रहा है यार? ये देखो आप बोलते कहाँ है, इतना बड़ा करेला। हाँ। हमारे घर में भी जी। मानना पड़ेगा किधर भी है तो छोटा है ना, बट खाने लायक तो है ही। हाँ खाने लायक हो गया है, फिर जब आ जाएगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए एक दो पीस नहीं है गाइस, और भी है, मैं आपको सारा तोड़ के दिखाऊंगी कितना सारा है, देखो मस्त मस्त है। क्या क्या रूबी करवाते रहती है। और हमारे डुगू साहब आज झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, इधर आटा भी सना रहा है। लेट हो गया बाबू को आज जी, मतलब लेट नहीं है ना, एकदम आराम से जब मतलब खिलाते हैं तो लेट हो गया ज्यादा, बाबू थोड़ा सा आलू का भून दिए हैं, इधर रोटी भी बन जाएगा, दाल रेडी कर देंगे। हंस क्यों रहे यार, झाड़ू नहीं लगाया है सारा अथी कर रहा है, इन्होंने फैला, यहाँ देखिए झाड़ू लगाया कुछ रखा है, बाकी चला गया चिकू पास, ये वहाँ पर क्या कर रहा है यार तू, चल 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 चल, चिकू को दिया झाड़ू लगवाला, मतलब ये झाड़ू लगा लिया तब बोल रहा है चिकू तू भी लगा ले।
जल्दी निकलो यार, लेट हो रहा है। छोड़ दो, बैग दे दो उसको, खुद से बैग लेना चाहता है। अभी नहीं, कल हम डालो, फिर गाड़ी में रखना होगा ना। मामू जी क्या? हाँ, अब बाबू को बाय करके आया, वो बाय कर दिया। जब पाठ में हो गया काफी ज्यादा लेट, और ये अभी इतना सूर्य निकल गया, अब पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी 11 बजने वाले हैं, और इनको मैं बोला था कि आपको सर सब रात पूजा पाठ करके नाश्ता कर लेना है। हाँ, वो तो मुझे आया से नहीं, बहुत पहले से डांट पड़ रही है, लेकिन सुनते कहाँ है भाई। अब अपना कपड़ा भी हो गया था, तो सोचे कि पहले वो सब घाट लेते हैं, कभी मौसम फ्रेश, कभी बारिश आने का टाइम ही तो हो जाता है, और सावन भी नजदीक आ गया है, तो धीरे धीरे कपड़ा धोएंगे, नहीं तो फिर कैसे काम होगा। इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं, और ये बहुत दिनों के बाद साड़ी जो है पहने हुए हैं, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखे हुए थे उतना दिनों से। ये साड़ी पता है, ये साड़ी तीज का है, जब हम यहाँ इस घर में आए थे ना, तो आप ही तो खरीद के लाए थे ये साड़ी, और हमको याद भी नहीं है। ये ब्लाउज इसका नहीं है, बट इसका ब्लाउज हमको हो नहीं रहा था, तो ज्यादा मतलब टाइट हो रहा है, तो उसको हम पहने नहीं, और ये वाला ढीला था, तो हल्का सा, तो उसको पहन नहीं। सोचिए, दोनों ब्लाउज साथ में सिलवाते हैं हम। कुछ नहीं सही, इनका पतला हो गया, बोल रहे टाइट हो रहा था, झूठ बोलने की बात आदत हो गई है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। और चलो कोई बात नहीं, ये बहुत सारा काम के सुबह से उठकर, तो कुछ कपड़े यहाँ पर टांगे हुए हैं, और इधर साइड में देख सकते हैं सारा कपड़ा टांगा हुआ है। अरे कपड़ा हम लोग कुछ दिन से ना क्या बोले टांग नहीं पा रहे थे, क्योंकि मौसम खराब था, धूप नहीं निकल रहा था, फिर इधर उधर बिजी हो जा रहे थे। कुछ अभी और है, फूल तोड़ ले रहे हैं। एक काम करो रूबी ना, कुछ और जो है अपना इतना का फूल लगा हुआ है, कहीं और लगा देते, क्योंकि बहुत आसमान में छू गया है ये, यहाँ पूरा यहाँ समान तक, और ये पैर से लगना नहीं चाहिए, तो इसको किनारे सारा हम कर देंगे साइड में, अच्छा रहेगा। किसी को दे भी देंगे जिनको जरूरत होगा लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद किसी से मांग के लगाए थे, तो फूल से भी किसी से मांग के लगाए या फिर किसी को दे देना चाहिए, ज्यादा शुभ होता है। तभी चलते हैं, बाबू भी नहीं सो रहा, बाबू भी किलकिला रहा है, और काफी ज्यादा लेट तो हो ही चुका है अभी तो। वैसे मेरे को बहुत ज्यादा डांट भी पड़ रहा है खाने को लेकर, क्योंकि बाबर बीमार पड़ जा रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है, सर भगवान हमसे रूस्ट है, नहीं पता। आप सब प्यार भी पहले से नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कि किसी किसी का जो होता है ना बोली वगैरह लग जाता है, तो मैं तो सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, बस पता नहीं भगवान की मर्जी। दोस्तों अभी हमारे घर में खाना निकल रहा है, और खाने में आज मस्त मस्त सा बनाया आइटम, दाल भी खाइएगा। हाँ दाल भी खाएंगे, क्या बात है, मतलब जितना आइटम बनेगा सारा खाना है क्या? हाँ, और आज जो पनीर है दोस्तों ना, देख रहे होंगे ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए हुए थे, मेरे कहने पर दाल लिया, दाल लेने वाले नहीं थे, नहीं सब्जी था ना, इसीलिए सब्जी ही बचा हुआ है, प्लस में दूध भी था, सोचे कि सब्जी है, दूध है, दो प्रकार का भुजिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि रुबी खाना ही नहीं बनाती, सिर्फ भुजिया बनाती है, तो रोज ही हाजिर खाना, ऐसा नहीं है कि हमेशा बनाएंगे तो हमेशा शेयर करेंगे कि हम क्या क्या बना रहे हैं। दोस्तों हम लोग चले गए थे बाहर में, चिकू का तबीयत अच्छा नहीं था, रात से उसको बुखार लग रहा था, और सुबह उठे थे हम लोग भोर में, लगता है 3 बजे के आसपास, तो बहुत ज़्यादा बुखार था, उसके पहले था कि बुखार आ रहा था जा रहा था, तो हम लोग को लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद से हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास और बाबू दिखलाने के लिए। वहाँ से आने के बाद ना जीबू को अचानक से थोड़ा चक्कर आया, उसके बाद वो बेड पर लेट गई, और जीबू लोग सब ऐसे ही बस यहाँ पर है लेटा हुआ, और जीबू को देखिए यहाँ पर कैसे लेटी हुई है, मतलब कि चेक कराते हैं ना, तो उसके बाद सीधे फिर क्या बोले गिरते गिरते बस ही तो हमें पकड़े जाकर उसको फिर जाकर बेड पर उसको लेटाए हैं, नहीं तो अभी गिर जाती तो ज़्यादा चोट लग जाता। और हम लोग फिर ना जो चल गए थे बाबू को दिखलाने के लिए, हम बोले तो वहाँ से जाने बाद फिर बाबू को दवा दिए हैं, तो डॉक्टर जो है बोले कि मौसम चेंज होता है ना, इसके वजह से बुखार आते रहता है बेबी लोग का, उससे ज़्यादा नहीं दिखवाना चाहिए, तो कुछ एंटीबायोटिक दिया उसको, क्योंकि सर्दी भी है, बुखार भी लग रहा था। हाँ बेबी, तो ये देखिए चिकू के लिए एंटीबायोटिक दिया है, और एक ये बुखार का दवा दिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरा शुरू हो जाती है, ऐसे में क्या करें, इसी तरह से मैनेज करना पड़ रहा है, और कहीं जा भी नहीं पा रहे हम लोग। वहाँ से आने के बाद कुछ लोग बताए कि अभी जो है ना चीकू का दांत निकलने का समय है, तो इसके वजह से क्या होता है ना,
कि बुखार आ जाता है जब दांत निकलता है छोटे बच्चे लोगों को, तो इसलिए आप उसको ये बता दांत को दबवा दीजिए। तो रास्ते में हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पर पहले दबवाए थे डूब को, वहाँ पर जाके उसको दांत दबवाए हैं। उसके बाद पता चला कि नहीं, वो क्या बोलते हैं ना कि चोरदाता बोलते हैं, चोरदाता हो गया था। तो इसको भी दो दिन मतलब लगातार और जाएंगे शाम सुबह मिला के, तब जाके इसका चोरदाता जो है कम्प्लीट होगा। और परेशानी तो बढ़ ही रहा है दिन पर दिन, पता नहीं चल रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। जो हमको बाल कटवाने जाना था, बहुत ज़्यादा बाल बढ़ा हुआ था, सोच रहे थे कि कब जाएंगे। बस लोगों को लगता है लोग बैठे रहता है घर में, खाते रहता है और कुछ नहीं, लेकिन जो हम लोग फेस करते हैं हम लोग को पता है क्या करें, किस तरह से हम लोग कंटेंट को मैनेज करते हैं। इसलिए ही बोले कि बहुत पुराना वीडियो डाला, शादी वाले डाले हुए थे हम लोग, तो क्या करूँ, पड़ा हुआ था बहुत ही से, अच्छा कंटेंट था, सोचे कि आपके साथ शेयर कर दें हम। और कुछ लोग का ये कहना है कि अभी इसमें ना बेबी फीडिंग के चलते कमजोरी आता है, उसको चक्कर आता है, तो आदमी उसे गिर जाता है। भी ए रूबी, रूबी उठो, अच्छा लग रहा है अब ए रूबी, अच्छा लग रहा है अब, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको। फिलहाल हम दोनों बेबी संभालने में से रह जा रहे हैं। कुछ खाओगे? नहीं। इनको अब जाकर थोड़ा सा फ्रेश लगा है तो उठे हुए हैं। समोसा मैं ले आया 2 पीस, तो चीकू भी खा रहा है थोड़ा, और इधर डुगू, तो डुगू का ना बाल कटवा दी, छोटा छोटा बाल हो गया, मस्त दिख रहा है बाबू मेरा। ये भी समोसा खा रहे हैं। हाँ अभी तो सैलून ना बहुत तमाशा किया, नहीं बैठिए नहीं रहा था, बैठ गया तो थोड़ा कटाई देने के बाद लगा ठीक करने, जैसे ही कपड़े पे हाथ धोने के बाद में एकदम लगा ये करने की क्या हो गया करके। मुझे तो लगता है कभी कभी ना कि व्यूअर्स लोग को ना, व्यूअर्स लोग क्या, मुझे पता अपने आप में ना बहुत शर्म महसूस होता है इस बात को लेकर, मेरी ऑडियंस मुझे इतनी बुरी टॉर्चर करती है, ये मुझे उम्मीद नहीं था। कुछ लोगों ने आप सब देखी 2 दिन से ब्लॉग मेरा, पिछला जो भी ब्लॉग था मैंने शेयर किया, और मुझे अपडेट तो रहना आप से बहुत जरूरी है। 2 दिन से मैं इतना तबियत खराब था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। आज हम तीसरा ब्लॉग स्टार्ट भी किए थे अच्छा से, तो फिर मेरा साथ सही हो गया, तो फिर लोग बोलेंगे ना कि ऐसी है वैसी है। घिन आता है मुझे ऐसे सब्सक्राइबर से, नहीं चाहिए आपके ऐसे मेरे सब्सक्राइबर जो आप मुझे इतने बुरी तरह से इतना टॉर्चर करते हैं। कहीं ना कहीं ना मुझे आपकी तरफ से ना मैं काफी ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। प्लीज बिना कुछ समझना कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिए, खुद सोचिए ना, अगर आपके फैमिली वाले अगर ये कमेंट को पढ़ेंगे तो कितना उनको घिन आएगा। मेरे मानते हैं मेरा तो काम ही है कि मुझे आपका शेयर करना है, लेकिन आपकी फैमिली क्या सोचेंगे, आप किसी और के बारे में इतना गंदा सोचते हो लिखते हो, हद हो आप सब। लेकिन बाबू ही खा रहे हम, क्या करें, हम लोग थोड़े समझते हैं मजबूरी किसी का। बस आप लोग मोबाइल उठाते हो कमेंट पढ़ने, ठीक है खुशी है कमेंट पढ़ने आओ, मुझे बताओ कहाँ पे क्या गलती है, लेकिन इतना गंदा कमेंट करते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता। शर्म आदि में पढ़ के सुनाओ तो क्या सुनाओ आपके सामने, ऐसा लगता है ऐसे किसी कर्जा खा के बैठे। वही तो, किसी आप कुछ मांगते नहीं है, बस आपसे यही ना विनती करते, मेरे वीडियो देखिए नहीं, भ्रास निकालना है ना तो प्लीज मत कमेंट करो, मत करो वीडियो, मत देखो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसे ऑडियंस नहीं चाहिए जो मुझे बिल्कुल प्यार ही नहीं मिल रहा, सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा। इससे तक मैं मतलब मेरी मजबूरी है वीडियो शेयर करना, शौक नहीं है, होता है ना शौक से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, नहीं मेरी मजबूरी है। अगर मैं वीडियो शेयर नहीं करूंगी, आप लोगों को गाली में नहीं खाऊंगी ना, तो मैं दो वक्त का निवारा नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी खुद पे तो सोचिए कि क्या आप लोग लिखते हो। कमेंट पढ़ने के बाद ना बहुत शर्म सा लगता है, क्योंकि इतना बोल दिया कि घर पहुंच गई है बिना सोचे समझे, ऐसे मैंने वीडियो में बोला भी था, ये वीडियो बहुत पहले का है, फिर भी वही चीज को लेके आप सब बोल रहे हैं। लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है, बस सोच लेते हैं पटांग से, बस वीडियो देखते थोड़ा सा, क्या आया सामान क्या नहीं आया, मुझे तो आपके साथ शेयर करना ही है, पर उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ये लेती है लूटती है जानती नहीं है ये कर रही है, क्या बोले आगे, नहीं बोलने का मन था फिर भी, लेकिन आप सब इतना बुरी तरह से मुझे कह रहे हो ना, इसलिए मुझे बार बोलना पड़ रहा है।